हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी फूड रिवाइंड की वन ऑफ द फेमस रेसिपीज में से, जो कि मैंने सोचा कि वो वाली रेसिपी मैं रिक्रिएट कर लेती हूँ कि कैसे बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया बैंगन और 3 अंडे। यहाँ पे मैंने पूरा एक बड़ा बैंगन लिया है और बैंगन को पहले मैंने अच्छे से कट कर लिया कुछ बड़े साइज़ में और इसे साफ़ पानी से 2 से 3 बार धो लिया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पॉपुलर रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च। जीरा जैसे ही हमारा चटक जाए डाल देंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को। मैंने यहाँ पे पतले पतले चॉप करे हैं। 3 मिनट के लिए हम पहले फ्राई कर लेंगे प्याज को हल्का सॉफ्ट हो जाने तक। 1 मिनट फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 लहसुन को ग्रेट करके। लहसुन को हम बाद में इसलिए डालेंगे जिससे कि हमारा फ्लेवर अच्छे से आए, और पहले डालने से हल्का सा जल जाता है तो इसलिए हम बाद में डालेंगे। 2 मिनट हो गए हैं प्याज को फ्राई करते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन। सभी बैंगन को हम डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। गैस का फ्लेम हम लो करके 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। अभी पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैंगन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस का फ्लेम लो करके हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे जिससे कि हमारा बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गैस का फ्लेम हमारा लो पे रहेगा और बीच बीच में आप चलाते भी जाइएगा। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बैंगन हमारा फ्राई हो चुका है। डालेंगे इसमें कुछ मसाले। डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, डालेंगे 2 हरी मिर्च छोटे छोटे चॉप करके। सभी मसालों को डाल के हम 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हो गए मसालों के साथ बैंगन को फ्राई करते हुए और आप देख सकते हैं बैंगन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। कढ़ाई में इस तरीके से हम थोड़ा सा साइड बना लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे हम तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए डाल देंगे यहाँ पे हम अंडे। अंडों को डाल लेने के बाद हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक, और अंडा डालने के बाद हम एक बारी में इसे हिलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे जिससे कि हमारा नीचे का कच्चा ना रह जाए। ये वाला पूरा स्टेप मैंने फूड रिवाइंड के चैनल में देखा था और मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि ये वाली रेसिपी क्यों ना मैं ट्राई करूँ और कैसा लगा मैं आप लोगों के साथ भी बना के ट्राई करूँ। और देखिए धीरे धीरे हम इस तरीके से हिलाते जाएंगे और अंडा हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा। बैंगन की साइड को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम हमारा लो पे रहेगा। अंडे की भुर्जी हमारी बन चुकी है और बाकी बैंगन के साथ भी हम इसे अब मिक्स कर लेंगे। अंडा और बैंगन मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे पकाएंगे और आखिर में डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और डालेंगे यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया। सभी को डाल के हम 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। और ये देखने में तो मुझे अभी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने तो जब वीडियो ही देखी थी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, इसी वजह से मैंने ट्राई करने का सोचा। और जब मैं इसे बना के देख रही हूँ तो मुझे पक्का विश्वास है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। बिल्कुल नए तरीके से फूड रिवाइंड ने इसे बना के दिखाया है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस तरीके से अंडों को खोल लेंगे और बाकी सभी बैंगन के साथ मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 अंडे डाले हैं। आप यहाँ पे अंडे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 2 अंडे डालने हैं तो आप 2 अंडे डाल के भी बना के तैयार कर सकते हैं। और देखिए बनके तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी अंडा और बैंगन। कितना सुंदर कलर आया आप देख ही सकते हैं। और देखिए बनके तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी अंडा और बैंगन। गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे और सर्व कर लेंगे इसे एक प्लेट में। और देखिए बनके तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी ये बैंगन अंडे की सब्ज़ी। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व करके खा सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज की ये फूड रिवाइंड की फेमस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।